यह प्रश्न आता है कि साल भर वो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। किसान उनकी आय को दुगना करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जेब भी कट गई है। किसानों की सरसकट कर्ज माफी किया जाए। मोदी जी कहाँ है आप? मैं उस बूढ़ी माँ को क्या जवाब दूँ जो रोज मुझे पूछा करती है कि कब घर कुटमुले मिलेगा, कब कब किसानों को फसल के पैसे दिए जाएंगे, कब मंदिर आगेगा के अंतर्गत मजदूरों को मजूरी मिलेंगी, कब बड़े हुए बिजली के तरफ कम होंगे घंटे बिजली नहीं तो 12 घंटे ही दे दो। रात को क्यों बिजली देते हो, दिन में क्यों नहीं देते? रात में जाके वहां पे बटन चालू करने के लिए जाएगा, अगर उसको सांप ने काटा तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गोंदिया जिले में भारी बारिश के कारण होने से और गोसे खुर्द धरण के अधूरे काम से, इन काम के कारण बाढ़ आई जिसमें धान की फसल, किसान, नागरिक और व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। परे सड़ने के कारण किसान भाई डबल से फसल भी नहीं लगा सकते। यह प्रश्न आता है कि साल भर वो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। किसानों को सिर्फ 5,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा दिया गया, जबकि किसानों को 25,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत है। आप उनकी आय को दुगना करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जेब भी कट गई है। मेरा अन्नदाता किसान आज संकट में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ से बाधित किसानों को सरसकट 50,000 रुपये प्रति हेक्टर आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों एवं घरों के पुनर्वसन के लिए विशेष निधि शीघ्र आवंटित की जाए और किसानों की सरसकट कर्ज माफी किया जाए। मोदी जी कहाँ है आप? संजय सरोवर का पानी छोड़ने के कारण 2022 में प्रलयंकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों का घर अब तक नहीं मिले, उन्हें न्याय कब मिलेगा? कब गरीबों और लाभार्थियों को जमीन के पट्टे मिलेंगे? मैं उस बूढ़ी माँ को क्या जवाब दूँ जो रोज मुझे पूछा करती है कि कब घरकुल मुझे मिलेगा, कब घरकुल मुझे अलॉट होगा, कब घरकुल की स्कीम के अंतर्गत लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, कब किसानों को फसल के पैसे दिए जाएंगे, कब मंदिर आगेगा के अंतर्गत मजदूरों को मजूरी मिलेंगी, कब बड़े हुए बिजली के दर कम होंगे, कब किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेंगी? अरे 24 घंटे बिजली नहीं तो 12 घंटे ही दे दो। रात को क्यों बिजली देते हो, दिन में क्यों नहीं देते? रात में दिन भर काम करेगा अपना किसान और रात में जाके वहां पे बटन चालू करने के लिए जाएगा, अगर उसको सांप ने काटा तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप समाप्त कीजिए प्लीज। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, कब विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा? क्या केंद्र सरकार अन्याय के खिलाफ उसका साथ देंगी? नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।